हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गोद में मुस्कुराते हुए बच्चे कितने प्यारे दिखते हैं। इनकी ये मुस्कान और भी ज़्यादा आकर्षक होती है जब हंसने के दौरान आगे के दो चार दांत नज़र आ जाएं। हालांकि मुस्कान को पाने से पहले बच्चों को तकलीफ़ों से भी गुजरना होता है। दूध के दांत आने के दौरान बच्चों को दस्त, उल्टी और बुखार जैसी समस्याएँ झेलनी पड़ती हैं, जिनकी वजह से उनकी सेहत बिगड़ती है। एक दो दशक पहले तक ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए घरेलू नुस्खों का सहारा लिया जाता था, लेकिन अब माँ इस बात से अनजान रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ उपाय बताने वाले हैं जिन्हें अपनाकर बच्चों को दांत निकलने के दौरान होने वाले दर्द और तकलीफ से बचाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर बच्चों को दांत निकलने में परेशानी क्यों होती है? दरअसल दूध के दांत निकलने से पहले बच्चा पूरी तरह से दूध और अन्य लिक्विड डाइट पर निर्भर रहता है। बढ़ती उम्र के साथ उसके जबड़े मजबूत होते हैं, दांत निकलने शुरू होते हैं ताकि बच्चा ठोस आहार की तरफ आगे बढ़ सके। इस प्रक्रिया में मसूड़ों को चीरते हुए दांत बाहर आते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ होता है। यही वजह है कि दांत निकलने के दौरान बच्चा दर्द से परेशान होता है और इसका सीधा असर उसकी सेहत पर पड़ता है। अब बात करते हैं कि दांत निकलने के क्या क्या लक्षण हैं। पेट साफ न होना, कब्ज की शिकायत, दस्त आना, बुखार आना, मसूड़ों में सूजन, चीज़ों को काटने की कोशिश करना और चिड़चिड़ाहट और रोना, यही सब लक्षण हैं जब किसी बच्चे के दूध के दांत निकलते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके हम लोग अपने बच्चों के इस तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं। जो सबसे पहला हमारा उपाय है वो है गाजर या सेब। बच्चों के दूध के दांत आसानी से निकल आएँ और मजबूत रहें, इसके लिए बच्चों को गाजर का लंबा टुकड़ा या सेब के चौड़े कटे टुकड़े पकड़ा दें। बच्चों के मुंह में इनका रस थोड़ा थोड़ा जाता रहेगा तो दर्द कम होगा। ध्यान रखें कि गाजर या सेब के टुकड़े छोटे ना हो, वे बच्चों के गले में अटक सकते हैं। जब बच्चों के हाथों में यह दे तो उनकी निगरानी करती रहें। हमारा दूसरा उपाय है वो है नारियल पानी। बुखार या दस्त जैसे समस्याओं की वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इस कमी से बच्चे को बचाने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ देना बेहद ज़रूरी होता है। बच्चे को नारियल पानी ORS देते रहिए ताकि उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। शरीर में पानी की कमी होने से बैक्टीरिया तेज़ी से पनपने शुरू हो जाते हैं। हमारा तीसरा उपाय है मूंग दाल की खिचड़ी। बच्चों का शरीर अगर बुखार से तप रहा है तो उसे मूंग दाल की पतली खिचड़ी खिलाएं। यह दाल सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इस दाल का पानी पिलाने से या खिचड़ी खिलाने से बच्चे की भूख तो मिटती ही है, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। हमारा चौथा उपाय है बच्चे के मसूड़ों पर मसाज करें। दांत निकलने की वजह से होने वाले मसूड़ों में दर्द को कम करने के लिए बच्चों के मसूड़े पर उंगली से मसाज करें। हाथ अच्छी तरह से साफ करें और कॉटन का नरम कपड़ा उंगली पर लपेट लें। इससे बच्चों के मसूड़े पर उंगली से हल्का हल्का दबाव देते हुए मसाज करें। इससे दर्द में भी आराम मिलता है। नई माँ बच्चे के दांत निकलने के दौरान होने वाली परेशानियों से डर जाती हैं, लेकिन उन्हें जानना चाहिए कि इन्हीं घरेलू उपायों से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इन उपायों को आजमाया जा सकता है, लेकिन बच्चों की परेशानी अगर कम ना हो रही हो तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुंच पाए और वो भी इनका लाभ उठा पाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।